नमस्कार साधकों, एक बार पुनः एक नई चर्चा में आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। आज हम देखेंगे ध्यान साधना में प्राप्त होने वाले सात प्रमुख अनुभव, जिससे साधक को पता चल जाता है वह सिद्धि की ओर बढ़ रहा है, उसे सिद्धि की प्राप्ति हो रही है। जो भी ध्यान का साधक है उसके मन में प्रायः एक प्रश्न उठता है कि हम कौन सी अवस्था में हैं, कैसे हम जाने कि हमारी ध्यान साधना सही दिशा में जा रही है। कमेंट के माध्यम से बहुत सारे साधक ऐसे प्रश्न को पूछते हैं। तो देखिए, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आजकल सोशल मीडिया पर जो ध्यान की बातें बताएंगे। अब आपके ऊपर है, आप किस पर विश्वास करते किस पर नहीं। हम नहीं बोल सकते अच्छा बुरा कौन है, क्योंकि किसी को जानते नहीं जब तक, तब तक बोलना असंभव है। हाँ, अगर आप किसी गुरु के सानिध्य में रहोगे तो आप उससे जुड़े रहोगे, कंटिन्यू हर बातें आप शेयर करते रहोगे, तो वो जो गुरु होते हैं वो आपको बता सकते हैं कि भाई आपकी कौन सी अवस्था है, आप सिद्धि को प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आप की क्या गलतियां हैं, आप में क्या कमियां हैं, ये सब गाइड हो सकता है। कई लोग इस प्रकार के गुरु बना लेते जो मंचों पर बैठ करके चर चर 5-5 हजार आदमियों के एक साथ मेडिटेशन कराते हैं और फिर उनको उनसे संपर्क नहीं सध पाता, उनसे संपर्क नहीं कर सकते, उनसे कनेक्ट नहीं हो सकते। फिर उनकी एक समस्या आती है, कोई कहीं दर्द हो जाए, कोई समस्या हो जाए, ऊर्जा ऊपर नीचे हो जाए, तो साधक बहुत परेशान होता, किससे बात करें। सोशल मीडिया पर इतने ज्यादा बातें हैं फैली हुई है, आदमी इसमें परेशान हो जाएगा। ध्यान से पैसा मिल जाएगा, ध्यान से गरीबी आ जाती, ध्यान से गरीबी दूर हो जाती, इस प्रकार के प्रचार तो यूट्यूब पर है। अब क्यों है, क्या है, हमको नहीं पता चलता है। तो व्यवहार में बहुत सारी बातें निरर्थक घूम रही हैं, जिससे साधक डिस्टर्ब हो जाता है, मति भ्रम हो जाता है, क्या बुरा है, क्या है, अच्छा क्या करे। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ बातें बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगी, हमें विश्वास है। बातें शुरू करें उससे पहले एक निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपना प्यार दुलार इसी प्रकार से बनाए रखें। तो जब कोई ध्यान साधना करने वाला साधक 5-6 महीने तक साधना कर लेता है, 1-2 महीने नहीं, 6-7 महीने कंटिन्यू साधना कर लेता है, ज्यादा से ज्यादा समय लगाता है, तो जो सबसे पहला उस पे अनुभव होता है उसके व्यवहार में बदलाव आता है, मन शांत होने लगता है, व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है। क्यों अकेला, वो इसलिए रहना चाहता है, वो चाहता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा समय मिले कि मैं ध्यान साधना कर सकूं, इसलिए साधक दूर दराज रहना चाहता है, प्रकृति के पास रहना चाहता है, फूल फुलवाड़ियों में रहना चाहता है, बाग जंगलों में रहना चाहता है, गुफा कंदराओं में, इसीलिए ऋषि मुनि लोग चले जाते हैं, क्यों उनका मन इससे उठने लगता है। तो ये समस्याएं उत्पन्न होती है, लेकिन ये समस्याएं साधक के लिए अच्छी भी है बुरी भी है। अगर साधक कोई गृहस्थ है तो उसके लिए समस्या आ जाती है, लोग बोलते पागल हो गया, पागल कौन है ये तो समझना आपकी बात है, लेकिन ये पहला व्यक्ति को अनुभव होता है, एक साधक को। दूसरा जो ध्यान देना सबसे बड़ा साधक में जो बदलाव आता है, उसकी वासना मरती है, काम मर जाता है, उसका मन विपरीत लिंग में नहीं आता है, इन सबसे दूर होने लगता है, या यूं कहें कि उसमें संयम भी हो जाता है, ऐसे भी बोला जा सकता है। तो यह आना एक स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसको कोई शारीरिक समस्या हो रही है, बस वो मजबूत हो रहा है, उसका मन मजबूत हो रहा है, वो अपने शरीर को मजबूत बना सकता है, क्योंकि ध्यान ओज और वीर्य दोनों बढ़ाती है, दोनों पर कंट्रोल करती है। मन शांत होगा तो आपका ओज तेज बढ़ेगा और आपकी वासना कंट्रोल होगी, आपका वीर्य बढ़ेगा। इसके बाद जो तीसरा प्रमुख लक्षण एक साधक में आता है, क्रोध कंट्रोल हो जाता है, उसमें क्रोध भी कम हो जाते हैं, आदमी प्रकृति प्रेमी हो जाता है, पशु प्रेमी हो जाता है, इंसानियत आ जाती है, किसी छोटी छोटी बातों को अनदेखा करता है, वो चीजों को समझने लगता है, विस्तार से बातों को समझने लगता है कि क्या है क्या नहीं है। तो इस प्रकार से जब साधक अपने जीवन में जीने लगता, समझो सिद्धि की ओर,
चल रहा है, सिद्धि प्राप्ति हो रही, ये सब बहुत बड़ी सिद्धि है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सब पर विजय पा लेना, यही तो सबसे बड़ी सिद्धि है। इसी के लिए तो जन्म जन्म ऋषि मुनि तपस्या किए हैं। और अगर आपको ये मिल रहा समझ जाइए आप साधना के अच्छे पथ पर चल रहे हो। इसके बाद चौथा जो लक्षण होता है, व्यक्ति के किसी भी चक्र में हलचल होनी शुरू हो जाती है। वैसे मूलाधार से लेकर के सहस्रार चक्र, किसी एक चक्र में व्यक्ति को हलचल होना शुरू हो जाता है। मूलाधार में तो बहुत अंत में हो सकता है, प्रारंभ में तो बहुत कोई अच्छा ही साधक हो जाए, बाकी मूलाधार सबसे आखिर में ही होता है। तो अगर मूलाधार में हो रहा है या किसी अन्य चक्र में हो रहा है तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि हो सकता अब आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होने शुरू हो गई। आप ऊर्जा को समझ रहे हो तो आपकी ऊर्जा आगे बढ़ेगी। इसके बाद पांचवा लक्षण होता है आपके आज्ञा चक्र भ्रुकुटी के मध्य में, दोनों भौंगे के मध्य में स्पंदन होना, हलचल होना। और ये हलचल कान के बगल में, जहां कान आपका राइट या लेफ्ट में, पहले राइट में होता है फिर लेफ्ट में, यहां भी थोड़ा स्पंदन होता है किसी किसी को। माथे पर होता है, कान के पास में स्पंदन होता है, दाहिनी आंख के कोने पर, नाक और आंख के कोने पर जहां आत्मा का निवास माना जाता है यहां भी हलचल होता है। तो साधक को समझना चाहिए अब उसकी साधना सिद्धि की ओर बढ़ रही है। ये सब क्रम से चल रहे हैं हम, तो पांचवा लक्षण है कि आपका आज्ञा चक्र एक्टिव होने लगेगा, आप के कान के आसपास थोड़ी हलचल महसूस होगी, अब आपका ध्यान दृढ़ होने लगे, आप जब चाहोगे तब ध्यान में उतर जाओगे, आपको आनंद की प्राप्ति होने लगेगा। छठा जो प्रमुख लक्षण होता है, व्यक्ति का सहस्रार चक्र एक्टिव होने लगता है। यहां पर भी जैसे चींटी रेंगती है, कई बार तो ये थोड़ा सा टेढ़ा है, आपको दाहिनी साइड में टेढ़ा सा लगेगा जो स्पंदन, वो बिल्कुल जहां सिखा रखते वहां नहीं, उससे थोड़ा सा दाहिनी तरफ होता है, ये टेढ़ा हुआ है। इसको किसी तरीके से सोच करके सीधा करना है, अनुभव करके सीधा करना है। जब ये चोटी के मध्य में आ जाए तो समझ जाइए आप उस छठी शक्ति प्राप्त हो रही है। और सातवां जो प्रमुख लक्षण है एक साधक में जो दिखाई देता है, वो है कि व्यक्ति के चेहरे पर तेज आ जाता है, चमक आ जाती है, उसके चेहरे में एक आकर्षण पैदा हो जाता है जिसे लोग बोलते हैं सम्मोहन शक्ति। उसका चेहरा देख करके लोगों को लगता है ये व्यक्ति साधक है, क्रीम पाउडर की आवश्यकता नहीं, ऐसा तेज हो जाता है, ऐसा चमक हो जाता है कि अंधेरे में भी उसके चेहरे पर चमक आती है। तो इस प्रकार से जब साधक साधना करता है, जब यहां तक पहुंच जाता है, तब समझ जाइए अब उस व्यक्ति ने सिद्धि प्राप्त कर ली, अब उसमें वाक सिद्धि आ जाएगी, उसमें कोई काम करने की सिद्धि आ जाएगी। प्रारंभिक सिद्धि इतनी है, सात सिद्धियां अगर आप में आ गई तो आप समझ जाइए आप सिद्धि पुरुष की ओर आगे बढ़ रहे हो। तो जीवन में यह अभ्यास है, इसको कीजिए, बहुत कुछ देने वाली चीज है ये साधनाएं। ध्यान साधना जीवन में सब कुछ देने में सक्षम है। तो हमें विश्वास है ये चर्चा आप लोग को समझ में आई होगी। और अगर आप लोग शेयर करना चाहते हैं आप लोग को कौन कौन से इसमें प्रमुख अनुभव हो रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से और बताइएगा, जिससे हमको भी अच्छा लगे कि हमारे साधक हमारे भाई बंधु इन बातों को कर रहे हैं और अनुभव भी हो रहा, तो बड़ी प्रसन्नता होगी और मनोबल भी बढ़ता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं अपना अनुभव शेयर करना तो कमेंट के माध्यम से अवश्य शेयर कीजिएगा। हाँ, कोई त्रुटि हो, कोई कमी हो, हमें आप लोग बता सकते हो, कोई बुरा बात बुरी बात नहीं है, ना बुरा लगने वाली बात है, हम भी आप लोग के समान साधक ही हैं, अभी भी साधनारत हैं। तो जो ज्ञान है जो जानकारी वो आप लोग के समक्ष रखता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।